रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से काफी अच्छी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, और साथ ही में गाइस यहाँ पे वर्ल्ड T20 कहाँ पे होने वाली है तो उसके रिगार्डिंग BCCI की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है BCCI की तरफ से। जी हां गाइस, यहां पे BCCI की तरफ से वर्ल्ड T20 को लेकर गाइस एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले गाइस हम सभी को ये अपडेट देखने को मिल रहा था जहां पे BCCI कह रहे थे कि हम वर्ल्ड T20 को अगर यहां पे इंडिया में नहीं करवा पाते तो हम यहां पे वर्ल्ड T20 को भी UAE में कर देंगे, जिस तरीके से हम लोग IPL 2021 के मैचेस को बाकी मैचेस को UAE में शिफ्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग वर्ल्ड T20 को भी UAE में कर देंगे। लेकिन गाइस अभी BCCI की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जहां पे BCCI सिर्फ IPL 2021 के जो बाकी बचे मुकाबले हैं वो मुकाबले को सिर्फ UAE में करवाया जाएगा, और गाइस यहां पे वर्ल्ड T20 की प्लानिंग गाइस यहां पे कर रही है BCCI श्रीलंका में करवाने की। जी हां गाइस, यहां पे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रही है BCCI, और यहां पे जो कि 100% कंफर्म माना जा रहा है कि अब UAE में वर्ल्ड T20 देखने को नहीं मिलेगा, श्रीलंका में आप सभी को वर्ल्ड T20 देखने को मिलेगा, ये नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस आप लोग इस बात से कितना ज्यादा एग्री करते हो, आप लोग कहां पे देखना चाहते थे, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा। बट गाइस अभी ये 100% रिपोर्ट है कि यहां पे श्रीलंका में आप सभी को वर्ल्ड T20 देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डेन क्रिस्टन की तरफ से। तो गाइस यहां पे डेन क्रिस्टन गाइस यहां पे फिर से ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में गाइस वो शामिल हो रहे हैं। जी हां गाइस, यहां पे डेन क्रिस्टन जिनकी एज गाइस यहां पे 38 ईयर है और अभी भी वो गाइस यहां पे खेल सकते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया टीम के स्क्वाड में फिर से शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं डेन क्रिस्टन गाइस यहां पे विटालिटी T20 ब्लास्ट में भी गाइस वो खेल रहे हैं। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक नई न्यूज सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाली है बांग्लादेश में। तो गाइस यहां पे इसमें ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन गाइस यहां पे शामिल हुए हैं इसके स्क्वाड में, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दो खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और केन रिचर्डसन शामिल हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को लेके। क्या IPL 2021 के रिस्टार्टिंग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं, इसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल था। एंड गाइस यहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी अब पूरी तरह से IPL 2021 के बाकी मुकाबले से बाहर हो चुके हैं, एंड न्यूजीलैंड के भी कुछ खिलाड़ी जो कि बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी IPL 2021 के बाकी मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, तो इसके ऊपर सवाल था। तो गाइस यहां पे एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि BCCI ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे। एंड गाइस अगर BCCI ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से बात करती है तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड यहां पे मान जाएंगे, एंड ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को गाइस यहां पे IPL खेलने का मौका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड देगी। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ एक सामने निकल कर आ रही थी सभी IPL फैंस के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी तो बाहर हो ही चुके हैं, एंड न्यूजीलैंड के भी कुछ खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से बाहर हो ही चुके हैं, और अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी बाहर हो जाते हैं तो IPL में अब मज़ा ही नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन खिलाड़ी जो कि पूरी तरीके से IPL से बाहर हो जाएंगे, तो ये बहुत ही बुरा लगेगा सभी IPL फैंस को, और वो फॉरेन खिलाड़ी को भी देख नहीं पाएंगे। और जितने भी गए यहाँ पे फॉरेन खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, वो सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, सभी खिलाड़ी जो कि यहाँ पे शामिल होते हैं प्लेइंग 11 में IPL टीम के। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड मान जाएगी और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को खेलने का मौका देने वाली है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। तो एक नई न्यूज सामने निकल कर आ रही। तो गाइस वर्ल्ड कप को लेकर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से एक नई न्यूज सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।